न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। मुरैना के सबलगढ़ में दूध विक्रेताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए भैंसों के साथ रैली निकाली। इससे पहले दूध विक्रेता सड़क पर दूध बहाकर और अस्पताल में मरीजों को दूध बांटकर सरकार के सामने अपनी मांगे रख चुके हैं। दरअसल दूध के उत्पादकों पर 12% GST लगाने से किसान, पशुपालक और विक्रेता खासे नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें दूध के जितने दाम मिल रहे हैं उतना पशुपालन पर ही खर्च हो जाता है। दूध विक्रेता अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर दूध से बने उत्पादों पर से GST हटाने की मांग कर रहे हैं। दूध पे अगर ऐसे ही टैक्स चलता रहा तो हम लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्कूल में जाएंगे, कैसे भरण पोषण उनका। दूध अब तक 35 से 40 रुपए बिकता था, उसमें अब 20 या 25 रुपए की रेट रखी है। इसमें गाँव वाले 25 रुपए में किसान भाई कैसे दूध दें। उनका एक भैंस का चारा पूरा नहीं होता है 20 रुपए की रेट में। वो बच्चों को क्या बनों को जहर दें। शिवराज और मोदी अगर हमारी बात सुन रहे हों तो इतना उनसे रिक्वेस्ट है, दूध पैसे अपना टैक्स हटाया जाए। आज पशु और पशुपालक की संयुक्त रैली सबलगढ़ के प्रमुख मार्गों से निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुनीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। हमारी सरकार से एक ही अपील है कि यथाशीघ्र किसान दूध से GST को समाप्त करते हुए दूध के सरकारी दाम निर्धारित किए जाएं तथा किसानों के हितार्थ कार्य किया जाए। किसानों की जेब को काटने का काम सरकार बंद कर दे। मुरैना से गजेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।